एक व्यक्ति के इशारे पे ये सारी संस्थाएं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ी हुई थी। दुनिया के उन्हीं मुल्कों में ऐसा होता है जहां तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं। फर्जीवाड़ा करके अपने चुनाव से बाहर रख दिया ना हेमंत जी को, तरह की हरकतों से बाज आइए सरकार बहादुर। देखिए, मैं सीधे तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये सारे मुकदमे फर्जीवाड़ा था। एक व्यक्ति के इशारे पे ये सारी संस्थाएं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ी हुई थी। दुनिया के उन्हीं मुल्कों में ऐसा होता है जहां तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं। धन्यवाद न्यायपालिका का, समझ में इनको आना चाहिए कि फर्जीवाड़ा करके अपने चुनाव से बाहर रख दिया ना हेमंत जी को, कब तक रखोगे? कभी ना कभी तो न्याय की जीत होगी, इसलिए इस तरह की हरकतों से बाज आइए सरकार बहादुर। ईडी, आईटी, सीबीआई को आपने जो बना दिया है ना, उनके चरित्र को फिर से वापस पुराने दौर में करिए। एक व्यक्ति के इशारे पे ये सारी संस्थाएं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ी हुई थी। दुनिया के उन्हीं मुल्कों में ऐसा होता है जहां तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं। फर्जीवाड़ा करके आपने चुनाव से बाहर रख दिया ना हेमंत जी को, तरह की हरकतों से बाज आइए सरकार बहादुर। देखिए, मैं सीधे तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये सारे मुकदमे फर्जीवाड़ा था। एक व्यक्ति के इशारे पे ये सारी संस्थाएं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ी हुई थी। दुनिया के उन्हीं मुल्कों में ऐसा होता है जहां तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं। धन्यवाद न्यायपालिका का, समझ में इनको आना चाहिए कि फर्जीवाड़ा करके अपने चुनाव से बाहर रख दिया ना हेमंत जी को, कब तक रखोगे? कभी ना कभी तो न्याय की जीत होगी, इसलिए इस तरह की हरकतों से बाज आइए सरकार बहादुर। ईडी, आईटी, सीबीआई को आपने जो बना दिया है ना, उनके चरित्र को फिर से वापस पुराने दौर में करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।